सबसे पहले तो इन जजेस को फराज तकसीम पेश करना चाहिए और ये चार्ज शीट है। और अब जुडिशली और अदलिया जो हमारे चीफ जस्टिस साहब हैं, मामला उनकी कोर्ट में है। तरीकन साहब का जो कल जिनसे मौक़ था, अल्लाह ताला ने वो मौक़ हमारा सच साबित किया। खान साहब जो अदलिया की आज़ादी की बात करते थे, इंसाफ की बात करते थे, आज तय करना कि क्या मुल्क हमने रूल ऑफ लॉ के तहत चलाना है, किसी कानून और आइन के तहत चलाना है या किसी की मुदाखलत के तहत चलाना है। तो ये बहुत बड़ा बारिश का पहला कतरा भी है और एक तारीखी फैसला है जो ये खत छः जजी सवाल ने किया है। तहरीक इंसाफ अपने जजेस के साथ खड़ी है, अदलिया की आज़ादी के लिए उनके साथ है, सिविल सोसाइटी, वकला सारे, और इसके लिए हमने एक तहरीक का आगाज़ किया है। पाकिस्तान की तारीख में एक बहुत बड़ी हम पेशावर में रैली करने जा रहे हैं, कन्वेंशन करेंगे। और जो खान साहब के केसेस जिन भोंडे अंदाज में आयन और कानून को बिल्डोज करके उनको सजाएं दी गई, तो सच साबित हुआ ये सब कुछ एक शख्स की खातिर था। और आज पूरी कौम ने देख लिया कि जजेस ने जब खत लिखा और संगीन इल्ज़ाम लगाए, उसके बाद सारी चीज़ें सामने आ गई। अल्लाह अल्लाह उसके मुताबिक तो आपके ऑनरेबल जजेस भी बेचारे इंसाफ करते हैं, ठीक है। और उन्होंने एक सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को ये लेटर लिखा, ये लेटर एक पूरे जुडिशरी जो है उसकी तरफ से लिखा। अगर 8 जजेस हैं इस्लामाबाद रखी हुई है, उसमें 6 जजेस ये लिख रहे हैं तो बहुत बड़ी बात है। और ये सिविल कोर्ट का जज नहीं, वैसे तो सिविल कोर्ट का जज जो मजिस्ट्रेट हो, सेशन जज हो, डिस्ट्रिक्ट जज हो, जो भी ये चीज़ देखें तो उसके बड़ी क्रेडिटेबल चीज़ होती है। लेकिन ये तो हाई कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट पर बैठे हुए 6 जजेस ने लिखा, सो दे आर सीकिंग जस्टिस फॉर देयर सेल्फ। यार हमारे साथ ये कुछ हो रहा है। इसके साथ दूसरी चीज़ जो आपने बात कही वो ये है कि आपने फॉर्म 45 के वाले से बात की। देखिए फॉर्म 45 आप लोग भी इस्लामाबाद बेस्ड हैं, इस्लामाबाद रहते हैं, इस्लामाबाद की सीट से, और सबको पता है कि यहाँ पर हम लोग 45 जाते हैं। कैंसिल हो गई है।